आज हम सब जानेंगे ग्रीन जूस बनाने की रेसिपी। न्यू डाइट सिस्टम में पहले 8 घंटा उपवास यानी आकाश तत्व लेने के बाद जरूरी होता है वायु तत्व लेना, और वायु तत्व की पूर्ति हेतु हम प्रयोग करते हरी हरी पत्तियों के ग्रीन जूस का। दोस्तों, ये ग्रीन जूस क्लोरोफिल से भरपूर होता है। ये अपने शरीर को अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। सारी न्यूट्रिशियंस वैल्यू जैसे कैल्शियम, मिनरल्स, आयंस सब देता है और शरीर को एकदम तरोताजा कर देता है, रिजुनेट कर देता है। दोस्तों, ये ग्रीन जूस अल्कलाइन भी होता है, तो इसकी मदद से शरीर में अल्कलाइनिटी बढ़ती है। और संशोधन ये कहते हैं अल्कलाइन शरीर में कोई भी रोग नहीं टिक सकता। और ये ग्रीन जूस सफाई कारक भी है, मतलब ग्रीन जूस पीने के बाद शरीर में छुपे सारे दोष दूर हो जाएंगे। कुछ कुछ लोगों को ग्रीन जूस पीने के बाद पेट की सफाई भी हो जाती है। तो आइए एक एक करके जानेंगे हम क्या क्या यूज करते हैं ग्रीन जूस में। दोस्तों, यह है दूधी यानी बॉटल गार्ड, येलो पम्पकिन यानी कोला, ककुम्बर यानी काकड़ी, अदरक और लेमन, ब्रोकली, देसी गुड़ स्वाद अनुसार, रॉक सॉल्ट, सिंधो नमक, आंवला। आंवला ग्रीन जूस का सबसे जरूरी पार्ट है। दोस्तों, आंवला ये ग्रीन जूस का हार्ट है। जितना ज़्यादा आप आंवला यूज करोगे उतना जल्दी आपको फायदा होगा, और आंवला आपको विटामिन सी भी देता है, तो आंवला ग्रीन जूस में डालना बहुत जरूरी है। आंवला अगर नहीं है तो आंवला का जगह पर लेमन का भी प्रयोग कर सकते हो। और ये है हमारी 3 हरी हरी पत्तियाँ, पालक पत्ती, धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती। हमने हमारी अवेबिलिटी के हिसाब से ये 3 पत्ती का प्रयोग किया है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पत्ती हो तो भी डाल सकते हो, जैसे तुलसी पत्ती, नागरवेल का पान, बिली पत्र, रचका, जो आपको अवेलेबल हो, जो आपको नज़दीक में मिलता हो वो आप डाल सकते हो। अब लीला पान डालोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, क्लोरोफिल ज़्यादा मिलेगा। हमारे पास ये 3 पत्ती अभी अवेलेबल है, हमने 3 पत्ती का प्रयोग किया है। आप ज़्यादा का भी प्रयोग कर सकते हो। इतनी सामग्री से जो आपको स्क्रीन में दिख रही है, 4 से 5 आदमी का ग्रीन जूस बहुत ही आसानी से बन सकता है और बहुत ही स्वास्थ्यप्रद होता है। दोस्तों, हम ग्रीन जूस बनाने के लिए स्लो जूसर का प्रयोग करते हैं। ये स्लो जूसर का प्रयोग करने का रीज़न ये है कि इसमें हीट जनरेट नहीं होता है, और ग्रीन जूस में जो न्यूट्रिशियंस वैल्यू रहती है वो ऐसी की ऐसी बनी रहे, हमको फ्रेश और एनर्जेटिक जूस मिले। अगर आपके पास स्लो जूसर नहीं है तो आप नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर का भी प्रयोग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये सारी सामग्री को वो मिक्सर में डाल के, पानी डाल के, ग्राइंड करके, फिर फिल्टर करके आप सर्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हमारे पास स्लो जूसर अवेलेबल है, तो हम उससे प्रयोग करके ग्रीन जूस बनाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। दोस्तों, अब जानेंगे ये ग्रीन जूस कैसे बनाया जाए। अभी हम ये सामग्री का प्रयोग करके ग्रीन जूस बनाएंगे स्लो जूसर्स में, और ये ग्रीन जूस का जो प्रयोग है वो तो मेरी डॉटर मैत्री व्यास वो आपको करके बताएगी। अभी हम ग्रीन जूस बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले हम हरी हरी पत्तियां डालेंगे ग्रीन जूस के लिए, क्लोरोफिल से भरी हरी पत्तियां। स्लो जूसर यूज करने का फायदा ये है कि जो न्यूट्रिशियंस वैल्यू रहती है वो बनी रहेगी। एक कोल्ड प्रेस जूसर भी बोलते हैं, मतलब इसमें हीट जनरेट नहीं होती है, तो जो ये हम यूज करते हैं सामग्री ग्रीन जूस की, उसके अंदर जो न्यूट्रिशियंस वैल्यू रहती है वो ऐसी की ऐसी रहती है। इसी डाल रहे हैं, देखिए ग्रीन जूस निकलना चालू हो गया। तो दूसरा फायदा ये होता है कि इसमें हमको पानी ऐड नहीं करना पड़ता है। अगर मिक्सर से हम बनाते हैं तो हमको पानी यूज करना पड़ता है, तो थोड़ा उसका डाइल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, फिर उसको स्वाद के लिए हमको थोड़ा सिंधो नमक या गुड़ ज़्यादा डालना पड़ता है। इसमें जो जैसा ओरिजिनल रस रहता है वही रस निकलता है, तो इसमें इसकी न्यूट्रिशियंस वैल्यू बनी रहती है, और न्यूट्रिशियंस वैल्यू बनी रहने के कारण आपको जो भी शरीर को
बीमारी देने वाले कारण रहते हैं उसको दूर करने में बहुत ही ज्यादा फायदा रहता है। ब्रुकलिन आंवला, एक एक चीज जरूरी डालनी तभी आपको सही न्यूट्रिशंस वैल्यू मिलेगी। पम्पकिन, येलो पम्पकिन, इसका जो पल्प रहता है दूसरी जगह से निकलता है और जूस एक्सट्रैक्ट होके यहाँ से निकलता है, मतलब जो पल्प रहता है वो यहाँ से निकलता है, जूस यहाँ से निकलता है। इसी तरह से सारे इंग्रेडिएंट को बारी बारी डाल के पूरा ये जो फ्लास्क है वो भर के ग्रीन जूस तैयार हो जाएगा। दोस्तों जो वीडियो में बताया गया था वो सारी सामग्री यूज हो गई है और बढ़िया सा ग्रीन जूस तैयार हो गया है। जो जूसर में न्यूट्रिशन से भरा पूरा कंटेनर्स तैयार हो गया है, जो पल्प है वो यहाँ साइड पे पूरा आ जाएगा। अभी कुछ लोगों को हो सकता है कि ये थोड़ा गाढ़ा लगे या थोड़ा ठीक लगे, तो उसको वो पतला भी कर सकते हैं पानी डाल के अपने स्वाद के अनुसार। और हम जब ये पूरी सामग्री खत्म हो जाती है तब तो लास्ट में थोड़ा वाटर ऐड करते हैं ऐसे, ताकि जो भी अंदर बचा कुचा रहता है मिक्सर के अंदर वो भी निकल जाए। ऐसे एक गिलास जितना पानी भी यूज़ करते हैं ताकि अंदर से पूरा का पूरा जो ग्रीन जूस का एक्सपेक्ट रहता है वो भी साथ में प्लस होकर बाहर आ जाए, पूरा ग्रीन जूस तैयार हो जाए। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हो, आधा ग्लास, एक ग्लास, डेढ़ ग्लास, जिसको जितना ठीक बनाना हो उतना पानी कम डालने का, ज़्यादा पतला जूस पीना हो तो पानी ज्यादा डालिए ऐसे। अभी इसमें हम स्वाद के अनुसार गुड़ और सिंधो नमक ऐड करेंगे और उसको फिल्टर करेंगे। पूरा ग्रीन जूस बनके तैयार हो गया है स्लो जूसर की मदद से। पल्प ये कंटेनर में है और न्यूट्रिशन से भरा हुआ ग्रीन जूस ये है जो आराम से 4 से 5 आदमियों को पूरा हो सकता है। इसमें से हम 4 से 5 ग्लास आराम से बना सकते हैं। अब ये ग्रीन जूस को हम छान लेंगे ताकि हमको जो इसमें फाइबर्स रहते हैं वो निकल जाए। जितना ग्रीन जूस छाना हुआ पिएंगे उतना ज्यादा फायदा होता है। हम ये छन्नी का प्रयोग करते हैं छानने के लिए। अगर आपके पास जो नॉर्मली मिलता है प्लास्टिक का घरना वाइट कलर का वो है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बढ़िया आता है, ये भी बढ़िया है, ये थोड़ा आसान रहता है निकालने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी लड़की ये एज में भी कोऑपरेट करके हम सबको ग्रीन जूस बना के पिलाती है। आज की अगर यंग जनरेशन्स ये ग्रीन जूस पीना सीख लें तो उनके बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यू दूर हो जाएंगे। मैं तो ये कहूँगा यंग जनरेशन जो पिज्ज़ा खाती है, बर्गर खाती है, उसकी जगह पे सुबह को एक ग्रीन जूस पीने की आदत डालें तो बहुत ही फायदेमंद होगा, आने वाली पीढ़ियों को भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। डेडिकेशन तभी मिलेगा। ये जो अभी देखा आपने गुड़ का पानी में डाइल्यूशन करके बनाया था ताकि इसमें आसानी से मेल्ट होके वो एब्सॉर्ब हो जाए, उसका स्वाद आ जाए।
ये छाना हुआ ग्रीन जूस है, इतने स्लो जूसर यूज करने के बाद भी इतना पल्प निकलता है, जो कि हम निकाल देंगे, इसका हमको कोई यूज नहीं है। लास्ट में स्वाद के अनुसार सिंधो नमक या रॉक सॉल्ट डालेंगे। अगर नहीं डालते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट है, लेकिन जिसको स्वाद का ज़्यादा पसंद रहता है वो ये डालते हैं। तो हम आपको पूरी रेसिपी ही बता रहे हैं, इसमें से जो भी आपको निकालना हो निकाल सकते हैं। गुड़ और सिंधो सॉल्ट अगर नहीं डालेंगे और नेचुरल तरीके से अगर ग्रीन जूस को पियेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जूस बन के तैयार हो गया है। जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी उसमें से टोटल 5 ग्लास ग्रीन जूस बना है, मैंने 4 ग्लास सर्विंग के लिए बताया हुआ है आपको। इतनी क्वांटिटी के 5 ग्लास उस क्वांटिटी से आराम से बन जाएंगे। हेल्दी न्यूट्रिशन से भरा हुआ वायु तत्व देने वाला ग्रीन जूस, क्लोरोफिल देने वाला ग्रीन जूस, शरीर की अच्छी से सफाई करने वाला ये ग्रीन जूस। ग्रीन जूस का आनंद मेरी डॉटर मैत्री उठाएगी। हमारा 8 घंटे का फास्ट खत्म हो गया है, तो हम वायु तत्व की पूर्ति के हेतु यही ग्रीन जूस से अपना दिन की शुरुआत करेंगे। दिस यू ऑल अ हैप्पी एंड डीएस लाइफ। इट इज अ रियल टेस्ट ऑफ लाइफ इफ यू बिलीव दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।